नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सपरिवार चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे और यहां सीएम मोहन की सादगी ने सबका दिल जीत लिया। उसके पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कामतगिरी पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा की, कामतानाथ मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परिक्रमा करने आए रायबरेली के श्रद्धालु के बच्चों को खिलौने भी दिलवाए। सीएम मोहन यादव ने ऑनलाइन पेमेंट किया। सीएम ने खुद के लिए भी दिवाली की शॉपिंग की, छोटे शिल्पकार और दुकानदारों से सामान खरीदा और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की सांकेतिक अपील की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव दिवाली की शॉपिंग करते हुए नजर आए। इसके अलावा जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे उनके बच्चों के लिए भी शॉपिंग की और ऑनलाइन पेमेंट करते हुए भी नजर आए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा एक तरह से सांकेतिक रूप से यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिया है। पूजा अर्चना की और उसके बाद परिक्रमा करते हुए भी नजर आए और दिवाली की शॉपिंग भी यहां पर उन्होंने की है। सीएम मोहन यादव की सादगी ने सभी का दिल यहां पर जीता है। दीपावली से पहले एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मिशन को लेकर लोगों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग पथ विक्रेताओं से सामान खरीदकर गरीबों की दीपावली रोशन करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोग दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदें और राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दें। सीएम ने कहा कि वे खुद भी बाजार जाकर स्थानीय भाई बहनों के बनाए दीप और उत्पाद खरीदें। तो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। दिवाली की शॉपिंग की है, इसके साथ ही ये अपील की है लोगों से कि वो भी बाजार जाएं, स्थानीय भाई बहनों के बनाए दीप और उत्पाद खरीदें। दीपावली पर स्वदेशी उत्पाद खरीदें, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से कहा गया है। राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील की है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। दीपावली पर वोकल फॉर लोकल का एहसास हम सबको रहना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। दीपावली हमारे लिए एक अलग आनंद देती है, लेकिन दीपावली के दिए हमारे प्रजापति समाज द्वारा बनाए गए दीप उनके जीवन में पूरे साल दीपक बना करके वो उम्मीद करते कि सारे दिए उनके बिके। मैं स्वयं भी मार्केट में जाकर के अपने ऐसे बंधुओं के द्वारा बनाए हुए स्वदेशी उत्पाद को खरीदूंगा जिसके माध्यम से दीपावली मने। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो जहाँ है वहीं पर दीपावली के आनंद में हमारे ऐसे वर्ग जैसे मजदूर परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे या कोई व्यक्ति ऐसे अवसर पर कोई भूखा नहीं रहे, कोई को कष्ट नहीं हो, सबके जीवन में दीपावली का आनंद घोलते हुए हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से जवाबदारी के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाए। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सतना से हमारे सहयोगी संजय लोहानी जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक सादगी भरा अंदाज देखने को मिला और इसके साथ ही वोकल फॉर लोकल का जो संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है, खुद बाजार पहुंचे, श्रद्धालु के बच्चों को भी यहां पर खिलौना दिलवाया और खुद भी दीपावली की शॉपिंग की और लोगों से भी अपील की है कि जो स्थानीय भाई बहन है उनसे दीप खरीदें। संजय, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है? आज यहाँ पर दो निजी दौरे पर सत्ता जिले में आए थे, यहाँ चित्रकूट में थे, कल रात का विश्राम उनका वहाँ पर था। आज सुबह जब वो कामतानाथ मंदिर पूजा किए, अर्चना किए, उसके बाद परिवार वहाँ पर पैदल परिक्रमा किए, उसके बाद उनकी जो सादगी थी उसको देखकर आज सब मुरीद हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने सबसे पहले परिक्रमा करने के बाद एक चाय की दुकान में जाकर खुद ही अदरक कूटा और चाय बनाकर खुद पी और अपने साथ में जो रहे उनको भी पिलाई। उसके बाद मोहन यादव जी ने वहाँ पर जो दर्शनार्थी आए हुए थे उनके बच्चों को वहाँ पर खिलौने दिलाए। वहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान थी, उसके वहाँ से उनको खिलौने दिलाए और खुद भी दीपावली जो दिए थे वो वहाँ पे खरीदा उन्होंने। उन्होंने जो लोगों से पहले अपील की थी उसको खुद चरित्रात करके दिखाया कि हम भी वहाँ पर जो लोकल दुकानदार रहते हैं, छोटे दुकानदार रहते हैं, उनसे खरीदारी करें। और उन्होंने की जब सादगी वहाँ पर लोगों ने देखा तो उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे। सोनाली, ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका।